हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज है ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके सामने आए हैं एक न्यू जॉब डिटेल के साथ, जो कि है आपके खाद्य विभाग से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, खाद्य विभाग ने निकाली है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, जो कि है आपके सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए। ये जो वैकेंसी निकाली गई है वो निकाली गई है पब्लिक सर्विस कमीशन वेस्ट बंगाल के द्वारा, जिसमें आप कर सकते हैं 10वीं पास अप्लाई। तो जानते हैं क्या है इस नोटिफिकेशन में और क्या है इसकी फुल डिटेल, तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पब्लिक सर्विस कमीशन वेस्ट बंगाल की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये, जिसमें आपकी जो वैकेंसी है सब इंस्पेक्टर की फूड एंड सप्लाई सर्विस ग्रेड 3 के लिए निकाली गई है। तो उसकी जो डिटेल है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ सेंटर्स दे रखे हैं जो कि रिटर्न एग्जामिनेशन के आपके होने वाले हैं। उसके बाद है आपका स्केल ऑफ पे यहाँ पर दे रखी है, नंबर ऑफ वैकेंसी जो कि टोटल 957 है, जनरल एससी एसटी ओबीसी एक्स सर्विसमैन और स्पोर्ट्स पर्सन में डिवाइडेड यहाँ पर कर रखी है। उसके बाद बात करते हैं रिजर्वेशन की। तो देखिए, एससी एसटी ओबीसी जो कैंडिडेट है वो सिर्फ वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट को यहाँ छूट मिलेगी, और जो अदर कैटेगरी मतलब अदर ये कैटेगरी जो है एससी एसटी ओबीसी है, ये अदर राज्य के निवासी है, तो इनको जनरल में ही काउंट किया जाएगा। बात करते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल की। तो देखिए, यहाँ पर माध्यमिक परीक्षा जो है आपका पास होना अनिवार्य है, या तो वेस्ट बंगाल बोर्ड से या फिर किसी भी बोर्ड से यदि आपने पास कर रखी है तो आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इंडियन नेशनल सर्टिफिकेट जो है सिटीजनशिप आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है यहाँ पर, कि एबिलिटी होनी चाहिए रीड करने की, राइट करने की, स्पीक करने की, जो कि बंगाली लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं एज की। तो 18 से 40 साल एज रखी गई है, ये एज काउंट होगी आपकी 1/1/2018 को। एससी एसटी ओबीसी जो छूट मिलती है वो सिर्फ स्टेट वाइज मिलेगी, यहाँ पर सेंटर वाइज नहीं मिलेगी। तो स्टेट के कैंडिडेट जो है उनको यहाँ छूट मिलने वाली है। फीस की बात करते हैं तो ₹110 फीस रखी गई है, प्लस में सर्विस चार्ज प्लस में बैंक चार्ज जो है वो आपको यहाँ पर देना होगा। एससी एसटी कैंडिडेट जो है वेस्ट बंगाल के, उन्हें कोई भी फीस भरने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। उसके बाद यदि आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो यहाँ पर आपको एरिया डिवाइड कर रखा है कि आपको इस एरिया से जो है स्पोर्ट्स आपका होना चाहिए, तो ही आप स्पोर्ट्स पर्सन में छूट यहाँ पर ले सकते हैं। इसमें जो आपका सिलेक्शन है वो रिटर्न टेस्ट बेस पर, पर्सनलिटी टेस्ट बेस पर होगा। उसके बाद ही आपकी एक एग्रीगेट मार्क्स की परसेंटेज बनेगी, और उसके बाद ही आपको जो है आगे कंप्लीट करा जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका होने वाला है जब आपका पर्सनलिटी टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपका रिजल्ट भी जारी यहाँ पर कर दिया जाएगा, जिसकी डेट आने वाले समय में बता दी जाएगी। तो यहाँ पर जो शॉर्ट में जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि 22 तारीख से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, 18 सितंबर 2018 की रात्रि 12 बजे तक ये फॉर्म चलेंगे। यदि आप एलिजिबल हैं और आप यदि इस क्वालिफिकेशन इस क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हैं और फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो इसका जो लिंक है वेबसाइट का वो आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप इसको अप्लाई ऑनलाइन कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो सूचना थी ये जॉब रिक्रूटमेंट रिलेटेड थी, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आशा करता हूँ आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए A24 नॉलेज एंड द लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।